कैसे सुकुना और केंजाको ने मिलकर पूरे के पूरे जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड को मैनिपुलेट करके रखा है। क्योंकि जो स्टार्टिंग से ही हम जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड को देखते आ रहा है, वो ऐसा लगता है कि एक टाइप से केंजाको ने सबसे पहले वो प्लान करके रखा था। और अभी जो कुछ चीजें जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड के अंदर चल रही है, वो एक टाइप से केंजाको के प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि केंजाको ने हर एक कैरेक्टर को एक स्क्रिप्ट लिख के दिए और सारे के सारे कैरेक्टर उसके स्क्रिप्ट के अनुसार ही चल रहे हो। अब तक हमको लगता था कि जो जुजुत्सु काइसेन का मेन विलेन है वो स्टार्टिंग से सुकुना ही है, लेकिन जब हमें केंजाको के मास्टर प्लान के बारे में पता चला तब तो लगा कि भाई जो सुकुना जो है बस केंजाको के लिए एक पॉन की तरह है। सुकुना तो बस प्रेजेंट टाइम में आके मजे ले रहा है, बाकी उसका कोई भी काम नहीं है। वो बस आ रहा है, फाइट कर रहा है और वो अपने आप को एंजॉय कर रहा है। और बाकी अगर दूसरे साइड में हम देखें केंजाको को, तो भाई केंजाको भाई साहब का तो कुछ अलग ही मास्टर प्लान चल रहा है। उसने देखा कि अगर उसको अपने प्लान को पूरा करना है तो उसको सबसे पहले अपने रास्ते के कांटे को हटाना पड़ेगा, जो कि है गोजो सातारू। इसलिए उसने सुकुना के रीकार्नेशन के लिए बहुत तगड़ा वाला प्लान बनाया। उसने देखा कि अगर सुकुना को किसी की बॉडी के अंदर रिकनेक्ट करना है तो उसको उसके लिए परफेक्ट वेसल बनाना पड़ेगा। इसीलिए उसने इतादोरी की मॉम के बॉडी में जाके सबसे पहले सुकुना के लिए एक परफेक्ट वेसल बनाई, जो कि है इतादोरी। और इतादोरी के बर्थ होने से लेके उसको सुकुना के पहली फिंगर खिलाने तक सब कुछ केंजाको ने प्लान करके रखा था। क्योंकि इतादोरी सुकुना के लिए एक परफेक्ट वेसल बन चुका था, इसलिए वो सुकुना के फिंगर्स की तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो रहा था। और हमने जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 1 के अंदर भी देखा था कि इतादोरी को सुकुना के फिंगर खाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, उसने अनकॉन्शियसली उस वाली फिंगर को खा लिया था। उसको ये तक नहीं पता था कि उस वाले फिंगर को खाने के बाद में उसके अंदर क्या सारी पावर्स आ जाएगी। अगर जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड के अंदर गोजो अगर अपने सिक्स साइज और लिमिटनेस के साथ में पैदा नहीं होता, तो केंजी को सुकुना को रिकनेक्ट करने के लिए इतने सारे पापड़ बेलने भी नहीं पड़ते, क्योंकि वो अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा है। उस बंदे ने पता नहीं भाई हजारों सालों के अंदर कितने सारे लोगों के साथ में बाइंडिंग वाव कराए, जिसके अंदर काशमो जैसे स्ट्रांग सोर्सरर और साथ साथ पता नहीं कितने सारे लोग उसके पास में भरे पड़े। अगर गोजो सातारू जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड के अंदर नहीं होता तो भाई ये सब चीजें करना केंजी के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अभी फिलहाल गोजो तो केंजी के प्लान से काफी ज्यादा दूर जा चुका है और साथ साथ यहाँ पर सुकुना भी अपने फाइनल फॉर्म के अंदर जा चुका है, जो कि एक साइड में सारे के सारे सोर्सरर को बिजी रखने का काम कर रहा है। सुकुना को बस अपना फन चाहिए था, जो कि उसको मिल ही रहा है। वो एक एक करके सभी सोर्सरर को पीटने वाला है, अनलेस गोजो सातारू का फिर से कमबैक हो जाए। अगर जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड के अंदर गोजो का फिर से कमबैक हो गया तो मुझे नहीं लगता कि जो स्टोरी अभी लग रहा है कि कुछ आगे बढ़ रही है वो फिर से रिवर्स गियर के अंदर आ जाएगी। अभी गोजो के जाने के बाद में केंजी का सबसे पहले ये प्लान है कि उसको भी पहले तेंगन के साथ में सारे के सारे नॉन सोर्सरर को कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके एक बहुत ही बड़ा वाला कर्स या कर्स पीरियड बनेगी, उसकी मदद से वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर सकता है। और जैसे कि सुकुना को सबसे पहले ही चाहिए था कि सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर बस कर्स पीरियड या कर्स यूजर ही रहे जिनपे सुकुना आसानी से राज कर सके। यहाँ पर सुकुना को बस एक टाइप से मजे करने हैं, उसको बाकी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग जिंदा रहते या कितने लोग मर जाते हैं। वो बस प्रेजेंट डे के अंदर रिकनेक्ट हो गया और उसके पास में अपनी पूरी की पूरी सुपर पावर्स आ गई। सुकुना को बस स्टार्टिंग से एक ही चीज में इंटरेस्ट था, जो कि था मेकुमी की 10 स्टारो टेक्निक, जिसकी मदद से उसने महोरागा को समन करा और गोजो की सारी टेक्निक को कॉपी कर लिया। एक टाइप से सुकुना अभी इनविंसिबल हो ही चुका है, उसके पास में हर एक टेक्निक के लिए कोई ना कोई काउंटर टेक्निक तो है ही। अनलेस ऐसा हो जाए कि भाई हमको इतादोरी का कोई तो भी पावर अप देखने को मिल जाए जो कि सुकुना को सरपास कर दे। अभी बस केंजाको को कैसे भी करके कलिंग गेम्स को खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए वो हर एक कलिंग गेम के प्लेयर को मारे जा रहा है। और अगर एक बार कलिंग गेम्स खत्म हो जाए और केंजाको को ग्रीन फ्लैग मिल जाए तो केंजाको एक सेकंड भी वेट नहीं करेगा, वो सारे के सारे नॉन सोर्सरर को तेंगन के साथ में मर्ज करके पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अभी फिलहाल केंजाको के सामने एक दो मुसीबतें आ चुके हैं, जो कि है ताकाबा। अगर ताकाबा सच में जितना वो दिखाता है उतना पावरफुल हुआ तो शायद से केंजाको को छोटी मोटी दिक्कत तो हो ही सकती है। वैसे केंजाको का प्लान इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है जैसा मैंने बताया है, उसके अंदर और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती है। तो होपफुली मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया होगा कि केंजाको का असलियत में प्लान क्या है। तो चलो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।